भाई तो पूरी आप सारे बह रही हैं। हम लोग जा रहे हैं गाइस शॉपिंग करने। वेरी प्रिटी, ऐसा टीका लगा लो। अस्तग़फ़िरुल्लाह। Welcome to Sistrology. This is me, Krakawa. Welcome to another vlog. Welcome to another wake up day. अभी अभी I just woke up and बड़ी देर बाद मैं उठते साथ ही vlog start करी। बहुत देर बाद, वरना हमेशा मैं ready होती हूँ time लेते, लेकिन आज मैंने सोचा कि मुझे ना उठाया किसने भाई, बादल गरज रहे हैं बाहर। इस वक्त टाइम हो रहा है 2 बजे, तो मैं अगर आपको भी दिखा दूँ कि बादलों का क्या सीन है बाहर। हुए मौसम बहुत खूबसूरत है, हवा चल रही है और आला दर्जे की हवा नहीं चल रही, हल्की आंच वाली हवा चल रही है। वो देखो छोटे छोटे पत्ते हिल रहे हैं यहाँ से। और कुछ लड़कियां मेरे कमरे में आती हैं, चार्जर लगाती हैं फोन का और फिर चली जाती हैं। तो मेरी बहनें क्या करती हैं गाइस, मैं सोई होती हूँ, मेरे चार्जर से फोन लगा के चली जाती है और वो पीछे से इतना बचता है की वो मुझे उठा देता है। मैं खुद सुकून से सो रही होती हूँ। दिन शुरू हो गया, मैं होंगी फ्रेश यार, थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ। बहुत ही लो इवन, क्योंकि रात को बहुत लेट सोई थी, आप लोगों के लिए व्लॉग एडिट करके सोई थी। तो इंशाल्लाह आज भी आपको बड़ा मजे का व्लॉग देखने को मिलेगा। आज का क्या स्केड्यूल बनता है वो आप से एनर्जेटिक होते बादल। बादल कह रहा है चैनल सब्सक्राइब कर दो। हाँ, अगर अभी तक नहीं किया बेल आइकन को भी दबा दे, सब्सक्राइब भी कर दे, कमेंट लाइक शेयर और इंस्टाग्राम भी। हाँ, इंस्टाग्राम भी फॉलो। चले मैं फ्रेश हो गया, लेट्स गो। तो जी गाइज, हम जैसे ही फ्रेश हुए हैं मौसम भी फ्रेश हो गया, एकदम बारिश स्टार्ट हो गई। जरा बाहर जाके देख के आते हैं, लेट्स गो। ओए 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 ओए, बाहर तो पूरी आप शारें बह रही हैं यार। और कहते हैं बारिश के टाइम जो भी दुआ मांगो वो कबूल होती है, तो अल्लाह ताला सब की जिंदगी में खुशियां लेकर आए और सबकी परेशानियां आप दूर करे, सबको सेहतमंद जिंदगी से नवाजे, सबके माँ बाप को जिंदगी दे और सबको खुश रखे। मेरी तरफ से आप सब लोग के लिए दुआ। तो जी हम आ चुके हैं नीचे सुकून से और सब कुछ समेटा गया। और ये जो है होले होले साजना, होले होले बाल मा, जाना है मेरे साथ अभी शॉपिंग पे। हम लोग जा रहे हैं गाइस शॉपिंग करने, क्योंकि आपको पता है नहीं, वो अपना अलग जा रही डिजाइनर के पास जा रही। उसने तो मुझे कहा हुआ है कि मेरे साथ। यू डोंट वांट टू गो विद मी। आई वांट टू गो, बट उससे पूछती हूँ मेरे साथ अब्बू लगी है वो तुम्हारा। गाइस हम लोगों ने ना सपने मुंतशिर हो जाना है, अभी हम लोगों का खैर प्लान ये है, हम लोगों ने जाना है शॉपिंग करने। खैर अदीब का ड्रेस भी नहीं अभी तक सिलेक्ट हुआ हुआ, उसके लिए भी हम लोगों को निकलना है। दूसरी चीज, मुझे एक दो डिजाइनर विजिट करने हैं वो भी देखेंगे। तीसरी चीज, मुझे सिर्फ ज्वेलरी चेक करने के लिए जाना है, अभी लेके नहीं आनी, अभी सिर्फ उनको मैंने ऑर्डर जो दिया वह लेट्स सी के क्या बनता है। बहुत सी जगहों पर जाना है, बहुत सा काम है और कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सारी बहनें कह रही हैं कि हम तुम्हारे साथ तुम्हारे कामों में फिरते रहेंगे तो हम अपने काम कब करेंगे। तो वो अपने कामों के लिए शायद अलग से अभी निकल रही हैं, रेडी होंगी। मैं बाकियों के साथ जो है, जो अवेलेबल लोग हैं उनके साथ निकलती हूँ। मम्मा को भी आज शॉपिंग करानी है, सबने मुझे कॉमेंट में बोला है आंटी को ले देख जूता, आंटी ने इतने सारे जूते लेके क्या करना है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी तो माँ है, मुझे 100 जूते कहेगी, मैं 100 लेके दूंगी। तो हम आज उनको लेके जाएंगे, उनकी चीजें भी लेंगे। जूते तो आगे थे, हाँ अरीब की चीजें, अरीब की शॉपिंग वगैरह रहेगी। तो हम आज लेट्स गो घूमेंगे, लेट्स गो। उसको किसके साथ जा रहा, आपको किस किसके साथ जा रही हूँ मैं? अरी मम्मा और मैं, अहिरापी आपी राबिया। अच्छा, चार ज्यादा मेंबर। तो वो मैंने जाना है एक बड़े अच्छे ब्रांड पे, मैं तुम्हें वहाँ से सिलेक्ट करके दूंगी। अब मुझे बताओ, ये फातिमा भी मुझे यही बोली जा रही है, कह रही है तैयार हो। तुम्हें नहीं पता टफ कर रहे हो आप लोग, मैं ऐसे नहीं होता होता। चूज वन, आज तुमने जो चूज कर लिया। मैं कहना चाह रही हूँ कि जैसे मैं आप ही से नाराज होती हूँ ना, तो आप ही देखूंगी कि जल्दी मैं आप ही वैसे जल्दी मान जाती है, फातिमा नहीं मानती है, इसलिए तो मुझे नाराज कर लेगी। इस दफा मैं भी जल्दी नहीं मानूंगी। आप ही आप मान जाती है, क्या प्लानिंग की? हल्की सी आई एम नॉट दैट टफेस्ट पर्सनैलिटी, मैं बड़ी सॉफ्ट हार्टेड, बड़ी काइंड हार्टेड, अच्छी सी बच्ची हूँ। अपनी दफा, ये देखे गाइज अभी मुझे नाराज नहीं करी है। अच्छा, साथ नहीं चलना ठीक है, बट अभी मैं खुद नहीं है पहन। आइंदा के बाद मेरी कोई चीज नहीं आई और इस बंदी ये मेरी शादी में भी नहीं आएगी। यू आर नॉट इन्वाइटेड इन माई कॉल, जाओ कर लो। कल ही जीन आई है वो दिखाओ। नहीं नहीं, मुझे यही चाहिए मामा, यही चाहिए मुझे। नहीं, ये क्या लेकर आई हो तुम कछु घुमा? इफ इट्स कूल देन ओके, प्रेस इट। ओके, मैं यही पहन रही हूँ। हाँ डन। रुको मेरा भी फैसला। पहले मुझे कहती है ब्लू मत पहनो, ये पहन लो ठीक है। अब मुझे बोल रही है मेरी नहीं आई है, कितनी ये चलाक है, मतलब ही ज़ैनब। इस कपड़े चपड़े भी चेंज करते हैं, पहले हम करेंगे वही अपनी रीत पूरी। मम्मी
था। मम्मी तैयार होके रेड लिपस्टिक लगा के सुबह सुबह खैर है। आज मुझे हेल्दी फूड मिला। आज मुझे हेल्दी फूड मतलब के जो जिससे थोड़ी सी मोटी छोटी हो जाए, थोड़ी सी क्यूट क्यूट हो रहे हैं, गले छले निकल आई हैं, तो ब्लशन लावा की तो लगेंगे हैं, बांदरा ने चिपेड़ा मारी हुई हैं। सो गाइस मैं हो चुकी हूँ तैयार और लग तो मैं बहुत हसीन जमील शकील हूँ और अभी एकदम दरवाजा नॉक हुआ है और अरीब साहब आ चुके हैं। इतनी बारिश में इतने प्यारे मौसम में हाय ना, मैंने ना इतने पंचे पहने, तो हम ऐसे बाहर नहीं जाएंगे, हम पहले छतरी लेंगे। नाउ इट्स फाइन। अरीब साहब की गाड़ी बाहर खड़ी है, ठीक है, बेल इन अंकल से करवाई है। अच्छा वालेकुम, थैंक यू, मेरा गुड्डा देखो, थैंक यू करके, ही वांट्स टू कम, ओके जी जी, थैंक यू भाई को चाची, थैंक यू। आना नहीं आना उसने, आना नहीं आना उसने, शोर कर रहा है। तुम्हें अंदर ही आना, अंदर आ जाओ, जाना नहीं, चलो। हाँ जाना, मम्मा बस रेडी हो रही हैं, आ जाओ आप एक मिनट। मैं बताओ कैसी लग रही, प्यारी लग रही, चलो आ रहे अंदर, आ रहे आ रहे। ये गाइस चिराग फातिमा तैयार होके आ गई, बदतमीज कहीं की, केले केले जा रही है। किसके पहने हैं? देखो पापा का भी जूता, पापा को भी ये दे दो पिंक। पापा ने पहन के देखे, ट्राई करें कैसा पूरा। पापा ने खोल देना है। मम्मी भी तैयार होगी, चले मम्मी, लेट्स गो, यस लेट्स गो। सबसे बाय बाय करता बारी बारी, लाजा बुलेट। बैठ चुके हम लोग गाड़ी में, काके का प्रॉपर मनोरंजन यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये जरा काम चेक करें मेरी मम्मी के, नाश्ता भी नहीं कर दिया, तो हम क्या करूं। चलो जी लेट्स गो। सो गाइज हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। हम लोगों ने ज्वेलरी लेने के लिए जाना, पसंद करने के लिए जाना है बेसिकली। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। मम्मी ने भी, बिल्ली ने भी ज्वेलरी पसंद कर ली, यहाँ से हमने भी अपना सब कुछ ले लिया। मम्मी नहीं नहीं यार, हम आप कॉफी पिलाती हैं, आप अच्छी बच्ची नहीं है। अब एक काम तो हो गया है हमारा यहाँ पे फारिग, सही है। मैंने, मम्मा ने, भाभी लोगों ने कुछ चीजें फाइनलाइज कर ली है। अब हम लोग भाई जा रहे हैं फाइनली डिजाइनर के पास। इन दो ब्लॉगरों के दरमियान मैं खड़ी हूँ। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़े से हम कपड़े छपड़े ट्राई करते हैं, लेट्स गो होते हैं, लेट्स गो। अच्छा एंगेजमेंट के टाइम पे मैं आई थी, ये ड्रेस क्यों नहीं था? इट्स वेरी प्रिटी। उसके बाद आया, लेकिन प्यारा था, प्यारा था। अभी फिलहाल अरीब साहब आप देखें। मम्मा अगर आपको भी कुछ ट्राई करना है तो आप भी कर सकते हैं। ये छोटू को भी, छोटू जो फिडो फिडो कर रहा है, छोटू यू वांट टू ट्राई समथिंग? नो, चलो दो पियो। अरे भी अच्छा लग रहा है वैसे, इट्स क्वाइट सिमिलर विद योर एंगेजमेंट ड्रेस। एक दो और ट्राई करो फिर देखते हैं कि कौन सा फाइन मिलता है। मुझे तो वैसे ये पर्सनली अच्छा लग रहा है। इसके काम चेक करो है, चाचू अंदर कपड़े चेंज कर रहा है, ये बाई सीट का चढ़ना सीख रहा है। हमने अरीब की ना सारी चीजों की सिलेक्शन वेलेक्शन कर दी है, वो जाके इसके ब्लॉग में आपको पता चलेगा। हम लोग निकलने लगे हैं, हमने जाना है ज्वेलरी वाले के पास। मम्मी जो है वो बैठ चुकी है में। जाते जाते मैं आपको बता दूं, अरीब इस वक्त इतना बोर कर रहा है, इतना बोर कर रहा है, एफएम लगाया हुआ है, बस हारता वक्त आउट हो गया, मुझे टेंशन हो रही, तुम कह रही बोर कर रहे। अभी खैर लोकेशन पे पहुंच के आपको बताती हूं। तो गाइस हम लोग यहां पे पहुंच गए हैं अपनी चीजें फाइनल करने के लिए, ठीक है। बाकी अभी हार श्रृंगार पसंद कर लूंगा, ठीक है। फाइनली गाइस यहां पे पहुंच चुके हैं अरीब साहब, आपको ज्वेलरी पसंद आई है मेरे लिए? मैं अभी सिर्फ चेक करने के लिए आई हूँ, बाकी सारा चीज ले चेक करे। मैंने ना कुछ चीजें बनने के लिए दी हुई थी, बाकी तो मैं इंशाल्लाह बहनों के साथ आऊंगी, वो भी अपनी चीजें उन्होंने पसंद करनी है, फिर ओवरऑल चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और अभी मैं जो चीजें ना बस वो एक दफा बता दूं कि हमने क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या ऑर्डर करनी है, किस किस तरह का डिजाइन होना चाहिए, क्योंकि निकाह के लुक शुड बी वेरी नाइस। अभी देखते हैं, पहले हम यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे फिलहाल है अंधेरा, है अंधेरा, ये अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ से सेट सूट पसंद करने आए हैं, ये अच्छा लग रहा है। मम्मा मैरून टच में ना, ये देखो। अभी देखिए व्हाट आई गोना डू, ऐसा टीका लगा लो, अच्छा लग रहा है ना, ये वो इंडियन स्टाइल है। अगर इस तरह से बाल गाइस बंदे ही होंगे, टेंशन नहीं लेना। मम्मा आप देख लो ना यार, मुझे ये अच्छा लगा, देखो कौन ताज तो नहीं, नहीं नहीं ताज नहीं, ये वो चोकर से, ये ऐसा चोकर। मम्मा बैठ चुकी हैं हम यहाँ पे, देखो ऐसे भी सिल्वर छोटा सा स्टोन्स है, या ज़िरकॉन है, ठीक है। आपको ना यहाँ पे हमने आना है ना, फिर दोबारा पसंद कर लेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ गाइस कस्टमाइज ऑर्डर दिया है सारा, अपना साइज वाइज की मुझे एग्जैक्ट में क्या चीज चाहिए। ये सिल्वर मिर्च है, बहुत प्यारे हैं। हाँ यस, अल्लाह का चिराग मिला है, अब फरमाइश करो पूरी हो। नहीं उसके लिए मम्मा मसल्ले पे बैठना पड़ता, अल्लाह दिन का चिराग काम नहीं आता। अल्लाह दिन का चिराग इंसान का दिमाग है, अगर कुछ चाहे तो सब कुछ कर सकता। यहाँ से अब हो चुके हैं फारे, सब बारी बारी गोइंग 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 हो रहे। अरीब साहब, अरीबा अरीब,
अरे बाहर बैठ के हमारा वेट कर रहे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इंसान को ना इतना वो भी ना हो यार। आपने ये नहीं देखा कि आपकी बंदी क्या चीजें सेलेक्ट कर रही है? बड़ा मजे का मैच हो गया, इफ्तिखार। मतलब जीत रहा है जो खुशी आ गई आपके चेहरे पे, अच्छी पार्टनरशिप हो गई है। चलेंगे आप, मैंने मुझे लगा बैठ के यहाँ ज्वेलरी बना रहे हैं। मोबाइल तो पकड़ ले अपना। अच्छा वो किसी और के फोन पे देख। या अल्लाह, फोन कैसे भूल सकते हैं। हम लोगों ने जो है वो खाना छाना अब खाना है, क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं खाने की जगह पे ना, फिर के इतना फिर के हैं। क्या लेके आते हैं? बता, ग्रिल चिकन खोल कर खाओगी ना? बता, साथ में करली फ्राइज और विद पीच टी। पीच टी आंटी का भी सेम। भाभी आपका क्या लेना है? भाभी करके खा लेना, वो फ्राइज खा लेगा। मैं इसके लिए अब हम लोग लगे हैं खाना खाने, ठीक है। अरीब साहब लेने के लिए जा रहे हैं खाना और हम गाड़ी में बैठ के करने लगे इंतजार। बिरयानी की रेसिपी मेरी स्पेशल रेसिपी एक दिन करेंगे। जो मम्मा की बिरयानी है वो बिरयानी मैं बनाना सीखूंगी, फिर मैं आपको बना के खिलाऊंगी। ससुराल में जाके रेसिपी शेयर होगी। काके आपने बिरयानी भी खानी, मिल जाएगी वो भी। ये देखें जी, ये खाना खाने आए थे, हम क्या करने आए थे? देखो इसकी मस्तियाँ। ये किसने लेके दिया? तुमने लेके दिया? चाची ने लेके दी, होने वाली चाची ने। चलो बस मैं खाना लेके आ रहा हूँ, ऑर्डर वगैरह नंबर आ गया, ठीक है। हमारा काका एंटरटेन हो रहा है। मम्मी की पुरानी सहेली हो। अरीब साहब गए हैं ऑर्डर देने और ये देखो कैसे खाए जा रहा है, बस खाया जा रहा है। अरीब साहब थोड़ा इंसान सबर कर लेता है। देखो जरा भूखे भूखे आ गए, ये देखो। हाँ जी, मेरी बात सुने, आप वही खाना शुरू हो गए थे। तो गाइस फाइनली अरीब साहब ने सारी फ्राइज खा के खत्म कर दी है। देखिए झूठी, अभी भी हाथ में कुछ भी है। एक फ्राइज ही देखिए, यहाँ सब कुछ खा गई है। डब्बे खा लिए, ये दोनों अरीब ने खाया, वहाँ खड़े खड़े जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। और एक ये बचा। अब मैं भी खाने लगी, मैं घर पहुँच गया, हम जाने लगे घर। हमारा काका भी खाना खा रहा है। चलो ओके, टेक केयर, बाय बाय। ओके जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। चलते चलते अरीब आपकी हो गई है, अब आप जो सही करेंगे देख लेना जैसे भी। ओके ओके अरीब, ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अब मैं गाइस पहुंच चुकी हूँ, बाकी खाना सारा घर जाकर खाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। मैं गाड़ी में प्रॉपर तरीके से नहीं खा सकी। अरे मम्मी तो, मेरी मम्मी भी थक गई है बहुत, अब वो पहुंच गई है। एज यूजुअल कोनियों से दरवाजा खोलते हुए बैग भी फंस जाता है यार। थकने के बाद वापस जा रही हूँ अपने कमरे में। मेरी बहनें भी आ चुकी थी, कोई इस कोने में थकी हुई आई है और जाके सो गई है, कोई उसका कमरे में थकी हुई आई थी जाके सो गई थी। मेरे बाल उड़ रहे हैं और मैं रुकने कमरे में, और मेरे जो हमसाए हैं ये हमसाया भी सो रहा है। अब चलती हूँ अपने को, मेरे कमरे की लाइट किस खुशी में जल रही है। लुक हूज हियर, तुम क्या कर रही हो मेरे कमरे में? हाउ डेयर यू, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? सूट देख के आई हूँ कि आखिर में भी तुमने मुझको टेंशन देनी है। यहाँ पे अगर तुमने अपने निकाह पे बुलाना तो कपड़ों का इंतजाम भी तुम खुद ही कर लो। कुछ भी नहीं पसंद है, सोच लो। अपना तो 600 दुकानें फिरने गई थी। इस वक्त इसकी एनर्जी गाइस 0/0 ही है और मेरी अपनी बुक की भी। तो अब हम चलाएंगे अपना एसी के बगैर कैसे बैठी हुई है इतनी महारानी। गाइस मैं ना सूट वूट चेंज करके मुंह धो के फ्रेश होके, मतलब भी फ्रेश होके आ गई हूँ। ये मोहतरमा वहीं की वहीं बैठी है और गाना सुनी थी निशागे। बस कर दो, छोड़ दो इसकी जान, बस कर दो, बस कर। फातिमा दिखाओ, ये चुट्टियाँ अच्छी लग रही हैं। आई सब अच्छा, तो दुल्हन के इतने लंबे बाल ही नहीं है, दुल्हन कहाँ से जो चुट्टियाँ निकालेगी? परांदा पहनते थे पहले वक्त में, तो परांदे भी नहीं मिलते। लेकिन ये गोटा छोटा या फूल छूल है हम इस वक्त। चलो ये तुम्हारा बचपन। सो गाइस हमारे यहाँ पे अभी थोड़ी देर में बैठ के बस डिसाइड हो रहे हैं बाल शाल क्या बनाने हैं। हम तो पूरा टाइम सिर्फ यहाँ से ऑक्यूपाइड है, ये क्या करना है, वो क्या करना है, वो क्या करना है, ये क्या करना है, दोनों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का दिन और हमारा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।